हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास देख रहे हैं। और आज की क्लास में हम क्या जानते हैं पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो इसमें हमें क्या जानना रहता है कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वो क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। क्या होता है, z equals to a plus ib होता है। इस फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन होता है, जिसमें यदि हम बात करें कि यहाँ पे a क्या है तो ये हमारा रियल पार्ट होता है a, और यदि आयोटा के साथ में यदि कोई टर्म है तो वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि आयोटा के साथ में आए तो वो इमेजिनरी। यदि हम इसको 2D प्लेन में यदि हम बात करें, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस की बात करेंगे, तो ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस में क्या है, हमारा x एक्सिस में हमारा रियल पॉइंट है, यानी कि a है। इसमें कौन सा पॉइंट है हमारा, इसमें हमारा इमेजिनरी पॉइंट है। इमेजिनरी पॉइंट क्या है, b है। तो यहाँ पे अपने को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, और यहाँ पे यदि हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो a और b है। और यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हमें इसे डिनोट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम z का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी आई भी लिखा जाता है क्या, जी हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यदि हम यहीं पे यदि बात करें कि एडिशन के टर्म्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और डिवीजन क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें तो क्या निकल करके आएगा, हम थोड़ा उस पर डिस्कशन करेंगे। यदि हम एडिशन की बात करें कि यदि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो उसमें क्या होगा, तो एडिशन के लिए हमें ध्यान देना है कि इफ We have a complex number, what? कि z1 equals to x1 plus iota y1, first complex number we have. और यदि हमारे पास में दूसरा complex number है x2 plus iota y2, तो addition के लिए क्या होगा, z1 plus z2 equals to x1 plus iota y1 plus x2 plus iota y2. यदि हम इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी को अलग कर दें तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 दोनों नंबर के, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ये रियल पार्ट्स हैं, तो रियल अलग हो गया। फिर उसके बाद में आयोटा कॉमन आया और y1 प्लस y2, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। क्या आप सभी को क्लियर है ये बात, यदि क्लियर है तो फिर हम यहाँ पे आप लोगों इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4i प्लस 8 प्लस 10i, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, रियल को एक साथ लिख दो, 5 प्लस 8 हो गया, आयोटा हो गया हमारा 4 प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया हमारे पास में आंसर, हमारे पास में आंसर आएगा 13 प्लस आयोटा 14, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा एडिशन है, बिल्कुल एकदम आप लोगों को आई होप बिल्कुल क्लियर है, ठीक। यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सिमिलरली जैसे हमने देखा है एडिशन, वैसे ही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो z माइनस z2, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे यदि वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, प्लस में आयोटा आपको लिखना है, y1 देन माइनस y2, क्योंकि यदि हम इसको और भी ज़्यादा और इनिशियली स्टेज में लिखें, यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने क्या किया था, x प्लस आयोटा वाई वन, देन we have subtracted what, x2 plus iota y2, क्योंकि हम value put up करेंगे z1 z2 की, यहां से निकल करके ये आएगा,
ठीक है, समझ में आया। यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में Z1 into Z2 सिमिलरली वैल्यू पुट अप करना है और हमें आंसर लाना है अपना X1 plus iota Y1 और यहाँ पे क्या है X2 plus iota Y2 हो गया। अब यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं कि क्या वैल्यू आएगी, तो एक साथ इमेजिनरी टर्म को और रियल टर्म को एक साथ लिख देना है और वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्या आएगा, X1 into X2 पहले हो जाएगा प्लस में आयोटा और Y1 प्लस Y1 into Y2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म। लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया समझने का टर्म क्या है, हम ऐसे क्या ऐसे बन जाएगा क्या कि जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हुआ है क्या वैसे ही मल्टीप्लिकेशन क्या का है क्या? जी नहीं, वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे ना कि रियल को एक साथ लिख दें और इमेजिनरी को एक साथ लिख दें, क्या हमारा आंसर निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। तो कैसे फिर हमारा आंसर आएगा, हम पहले चेक करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से चेक करेंगे, हम टर्म ले लेते हैं, कौन सा टर्म ले लेते हैं, 1 plus 3i और 4 plus 2i। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करना है हमें, 1 को पहले इससे करो, 1 को फिर इससे, यानी कि 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा हमारा 1 into 4, ठीक है, 1 into 4। प्लस में क्या है, प्लस में हमारा 1 into 2i, देन हम 3i को 4 से भी करेंगे और 3i को हम 2i से भी करेंगे, तो क्या निकल करके आएगा हमारा 3i into 4, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, 3i और 2i आएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में क्या जाएगा, 1 into 4, 4 प्लस 2 1s are 2i आएगा, यहाँ पे 3 4s are 12i प्लस 3 2s are 6, देन i स्क्वायर। Now, क्या हमें पता है क्या कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है? जी हाँ, बिल्कुल हमें पता है, ठीक है, स्कूल डेज से हमने पढ़ा हुआ है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 है, आयोटा स्क्वायर मीन्स, ठीक है। देन इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 4 plus 14i, 14 iota, देन 6 और -1 आया हमारा, 6 और -1, यहाँ पे क्या आएगा, 4 plus 14i और यहाँ पे -6, देन वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, वैल्यू आ रही है 4 minus 6 क्या आएगा, -2 आएगा, -2 plus 14i। इस तरीके से हमको ये हमारा आंसर आया मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। नाउ मल्टीप्लिकेशन के टर्म में यदि हमारा आंसर आया है तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने क्या किया है, हमने पहले इसको इससे, यानी कि दोनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम वैसे ही करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे यदि हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख दें तो क्या आएगा हमारे पास में, डायरेक्टली रियल और इमेजिनरी को यदि हम अलग करें तो X1 का X2 से हुआ, फिर X1 का जब आयोटा Y2 से होगा तो वो इमेजिनरी पार्ट में जाएगा, यहीं पे यदि आई Y1 X2 से जाएगा तो इमेजिनरी जाएगा, बट यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आयोटा स्क्वायर माइनस के टर्म में आएगा। यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि हम लिखें तो एक बार हम इसको लिख भी लेते हैं, क्या आ रहा है, X1 X2 प्लस में X1 और आयोटा Y2, फिर क्या है हमारा, कौन सा टर्म है, आयोटा Y1, देन यहाँ पे X2, फिर उसके बाद क्या है, आयोटा स्क्वायर Y1 Y2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कि -1 होती है, जब ये वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे -1 आएगा। जैसे ही ये -1 आया तो हमारे पास में टर्म क्या आए हैं, टर्म हमारे पास में आए हैं X1 X2 देन माइनस में Y1 Y2। समझ में आ रहा है कि कैसे हमारा वैल्यू हुआ। फिर उसके बाद ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में हम आयोटा को कॉमन ले ले रहे हैं, जैसे ही हम आयोटा को कॉमन ले रहे हैं बट साइन क्या रहने वाला है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है,
तो साइन हमारा प्लस में रहेगा। जब हमारा साइन प्लस में रहेगा, आयोटा कॉमन में निकला है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, एक्स वन वाई टू देन वाई वन एक्स टू। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, किसका हुआ है ये, मल्टीप्लीकेशन किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, कैसे करना है मल्टीप्लीकेशन, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा सभी को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आयोटा स्क्वायर माइनस में वन। यदि यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे किस में, हम डिवीजन में, हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन में। यदि हम बात करें इसको, हमने मल्टीप्लीकेशन को कैसे समझा है, और हमने इसी मल्टीप्लीकेशन को समझा है किस टर्म में, एग्जाम्पल यूज करके हमने इसको और सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व किया है। नाउ वी कम टू द डिवीजन। यदि हम डिवीजन की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमें ये माइनर माइनर डिटेल है जहां हमें पता तो रहता है कि बनता ऐसे, बट हमसे गलती हो जाती है, तो एग्जाम में हमें गलती नहीं करनी है। नाउ डिवीजन की यदि हम बात करें तो z1 डिवाइडेड बाई z2 हमारा हो रहा है, z1 को हम z2 से डिवाइड करेंगे, सच दैट कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन है कि हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए ना, यदि जीरो है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, जीरो है तो इन्फिनिटी है, इसका मतलब कि बिकॉज वाई इज अ इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो कम्स इन्फिनिटी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नाउ हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ना अपनी, एक्स जेड वन की वैल्यू क्या है, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू की वैल्यू क्या हमारे पास में, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। बस इसी को अपने को क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है, रैशनलाइज कर देना है, है ना। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा उसको एक बार चेक करते हैं हम लोग, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन अपॉन में एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, निकल के क्या आया, हम रैशनलाइज करेंगे तो एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन अपॉन में एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, रैशनलाइज फॉर्म में एक्स टू माइनस में आयोटा वाई टू और एक्स टू माइनस में आयोटा वाई टू हो गया। अब ये रैशनलाइज होगा तो हम जैसे मल्टीप्लीकेशन में अभी सॉल्व किए वैसे ही होगा। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने जैसे ही पुट किया तो हमारे पास में आंसर क्या आया है, देखो x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन में x2 स्क्वायर देन माइनस में क्या होगा, आयोटा y2 का स्क्वायर होगा। ये यहां तक वैल्यू आई होप बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में वैल्यू है x1 प्लस में आयोटा y1, ठीक है प्रीवियस पेज का है, और x2 माइनस में आयोटा y2 अपॉन में x2 स्क्वायर है माइनस में आयोटा आयोटा स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, इतनी ही वैल्यू हमारे पास में आई है क्या, जी हाँ बिल्कुल। तो हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जैसे ये प्लस हुआ तो पहले ऊपर वाले को रैशनलाइज करो, x1 का x2 से और x1 का आयोटा y2 से करोगे, पहले x1 x2 आया फिर उसके बाद में माइनस ऑफ x1 आयोटा y2 आया, ठीक है फिर प्लस में आयोटा y1 और यहाँ पे x2 आया, प्लस माइनस माइनस आयोटा y1 और आयोटा y2 अपॉन में क्या है x2 स्क्वायर माइनस देन माइनस ऑफ y2 स्क्वायर, एकदम मतलब कि बहुत ही बेसिक तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे x1 x2 माइनस में आयोटा x1 y2 देन प्लस में आयोटा x2 y1 फिर उसके बाद में माइनस होगा और आयोटा स्क्वायर y1 y2 अपॉन में क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में y2 का स्क्वायर निकल करके आया। यहाँ पे हमारे पास में x1 x2 फिर उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में माइनस ऑफ आयोटा x1 y2 प्लस में आयोटा x2 y1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास में,
प्लस में वाई वन वाई टू हुआ। ये समझ में आया कैसे हो रहा है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है ना। अपॉन में क्या है, एक्स टू स्क्वायर प्लस में वाई टू का स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दें क्या, मतलब अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब उसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे z1 और z2 ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आई हमारे पास में, x1 x2 वैल्यू क्या थी हमारी, x1 x2 और y1 y2, ये आयोटा के बिना के पार्ट है। तो आयोटा नहीं है इसमें, तो ये रियल पार्ट है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी का डिफरेंस क्या है कि एक में आयोटा है और एक में आयोटा नहीं है। जब एक में आयोटा नहीं है तो वो रियल पार्ट है, यानी कि x1 प्लस y1 y2 हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस आयोटा को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही हम प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, x2 y1 और माइनस में x1 y2। ठीक है, x2 y1 क्या आएगा हमारा, x2 y1 और माइनस में क्या है हमारा, x1 y2। ठीक है, और नीचे में क्या था, x2 स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। अब रियल को अलग करेंगे, रियल को अलग करके कितना आएगा हमारे पास में, y1 y2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा, और यहाँ पे कितना आ गया, x2 y1 अपॉन में x माइनस में x1 y2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर। ये क्या हमें समझ में आया, यानी कि हम पूरा का पूरा ये डिवीजन किए हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किए हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी रहते हैं तब जाके वो कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्लियर है क्या? यानी कि अब तक हमने क्या देख लिया, अब तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप कहीं पे कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि कहीं पे होगा, तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू की बात करें तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं किसकी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान देंगे, हाँ हमें नोट डाउन करना है, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है जेड वन प्लस जेड टू इक्वल्स टू जेड टू प्लस जेड वन, क्योंकि यदि प्लस है यानी कि एडिशन का साइन है तो इट डजेंट मैटर कि आप उसको पहले लिख रहे हो कि बाद में लिख रहे हो, आप लिख सकते हो, है ना, उनकी जगह को आप रिप्लेस कर सकते हो यानी कि इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। मल्टीप्लिकेशन के टर्म में बात करेंगे तो z1 z2 क्या हो जाएगा, z2 z1। जैसे कि हम बोले ए बी हमें लिखना है, क्या हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बस इसका मतलब ये है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, किसकी प्रॉपर्टी है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है ये। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के टर्म में जाएगा, यानी कि z1 प्लस में। ठीक है, क्योंकि यदि हम बात करें कि एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या बोलता है, तो एसोसिएटिव लॉ हमारा बोलता है z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 प्लस z2 और प्लस में z3। ठीक, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसी को हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी समझ लेते हैं, z1 डॉट में z2 और z3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z1 z2 यानी कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और दिस मल्टीप्लाई बाय z3, यानी कि एसोसिएटिव लॉ इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, उसको उस पर ध्यान देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या है वो हमारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है हमारी z1 into what into z2 plus z3। अभी तक पूरा एडिशन एडिशन पूरा मल्टीप्ली
मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों साथ में आया है, जैसे ही ये साथ में आया तो क्या आंसर आएगा, Z1 Z2 प्लस में Z1 और Z3। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब यदि हम बात करेंगे छठवीं प्रॉपर्टी क्या है हमारी, तो छठवीं प्रॉपर्टी है कि यदि Z की वैल्यू क्या होती, A प्लस IB होती है, Z की वैल्यू A प्लस है। यहीं पे यदि माइनस Z निकालेंगे तो माइनस Z क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A माइनस आयोटा बी, यानी कि माइनस Z हमारे पास माइनस A, माइनस A के साथ में क्या है, यहाँ पे ये क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस ऑफ आयोटा बी, यानी कि इफ Z इक्वल्स टू A प्लस IB तो माइनस Z माइनस A माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे यदि हम बात करें, यहीं से निकल करके आएगा क्या, यहीं से निकल करके आएगा Z माइनस, यदि हम करें क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम इसको कैलकुलेट करें, Z प्लस माइनस Z यदि करेंगे, यानी कि दोनों दोनों नंबर को, ठीक है, इसके नेगेशन टर्म को, ठीक है, इसके नेगेशन टर्म को हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं, तो क्या निकल करके आएगा, वैल्यू आप पुट कर दो, वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास में वैल्यू निकल करके आ जाएगी, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ आयोटा बी, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो ये सिंप्लीफिकेशन के टर्म में भी आपका निकल करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस बी। ठीक है, अभी माइनस बी हुआ तो क्या आएगा, ओवरऑल वैल्यू जीरो आएगी, आएगी क्या, जी बिल्कुल, वैल्यू आपकी जीरो आ रही है, वैल्यू क्या आई है आपकी, जीरो आई है। इसका मतलब हमें समझ में आया, जेड प्लस माइनस जेड कितना होता है, जीरो होता है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी के अंदर ये आता है। ठीक है, यहीं पे यदि हम सातवीं प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि Z यदि A प्लस आई बी है, बिल्कुल ठीक है, तो यदि हम 1 अपॉन Z इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन A प्लस आई बी आया, फिर उसके बाद में Z और 1 अपॉन Z यदि मल्टीप्लाई के टर्म में यदि हम देखें तो कितना निकल करके आ जाएगा आंसर, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये इसकी सातवीं प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि ये, और कंडीशन हमारी ये भी तो हमें समझना है ना कि ये जीरो ना हो जाए। मान लो ये जीरो ले ली है तो इन्फिनिटी है, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा नॉन जीरो है। ये जीरो हो जाता तो जीरो प्लस आयोटा जीरो, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमारी जीरो है, ये रियल टर्म जीरो है, इमेजिनरी टर्म भी जीरो है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो आया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब लिए हैं तो हमारा वो एग्जिस्ट किया है, यानी कि वन आया है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है। तो हमें एक बात समझनी है यहाँ पे, क्या समझनी है कि एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जिस्ट करेंगे। जब हम एडिटिव इनवर्स देखे थे, ये क्या है एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे हमने बोला क्या कि Z जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं हमने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आए हैं तब हमने बोला। क्या यहाँ समझ में आया कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करती है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करती है किसकी, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा भी हो। लेकिन हमें ये समझ में आया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसकी एग्जिस्ट करती है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करती है केवल और केवल फॉर नॉन जीरो, यानी कि जीरो ना हो जाए कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि जीरो हो जाएगा तो वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी। यहाँ पे फिर यदि ये जीरो ही है तो आंसर तो इन्फिनिटी में जाएगा ना। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स केवल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की है, लेकिन एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये यानी कि एमसीक्यू के टर्म में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो हमने अब तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन देखा, साथ ही साथ हमने
प्रॉपर्टीज डिस्कस की है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, इसके आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.